अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये था कि अगर आप ईएमआई मीटर की रीडिंग्स को देखना चाहते हैं कि कैसे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और जो भी आपका रिक्वायर्ड नंबर है रीडिंग का, अगर आप उस पर इंपोर्ट देखना चाहते हैं और एक्सपोर्ट देखना चाहते हैं तो कैसे उसको देख रहे होते हैं। अगर आप देखें तो थंब से मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, इससे क्या हो रहा है कि स्क्रीन जो है उस पर जो रीडिंग्स है वो चेंज हो रही हैं। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस नंबर पर आपको पार्टिकुलरली जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो आपको मिलेगी, जिस तरह आप एक्सपोर्ट देखने जाते हैं तो किस नंबर पे इंपोर्ट और इस तरह बाकी ड्रिंक्स भी। तो उस वीडियो के साथ जुड़े रहें, आपको मजीद मैं इस हवाले से ब्रीफ करूंगा। अच्छा दोस्तों, अब हम बेसिकली देखते हैं कि अगर आप किसी भी पार्टिकुलरली इंडेक्स पे देखना चाहते हैं कि उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी क्या चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है आपका ईएमआई मीटर उस नंबर पे, तो आप देख सकते हैं। लेकिन बाज़ हमें ये नहीं पता होता था किस नंबर पे क्या चीज़ आपको शो हो रही है, तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये भी था कि आपको क्लियर हो जाए कि जो हमारे ईएमआई मीटर पर डिफरेंट रीडिंग्स आ रही होती हैं उसका पर्पज़ क्या होता है और किस नंबर पे क्या चीज़ आपको शो हो रही होती है, ताकि आप खुद भी इवन रीडिंग्स ले सकते हैं अपने मीटर से। अगर हम देखते हैं तो डिफरेंट इंडेक्सेस यहाँ पे गिवन है। OBIS ये वो नंबर है जो आपके मीटर के ऊपर शो हो रहा होता है और उसके अकॉर्डिंगली आपकी रीडिंग्स आ रही होती हैं। अगर हम फर्स्ट पे देखते हैं तो डिस्प्ले ऑल सेगमेंट का आता है। 96.1.0 पे देखते हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग नंबर है। फिर 0.9.1 देखते हैं तो लोकल डेट है। 0.9.2 देखते हैं लोकल टाइम है। ये साथ में बताता चलूँ, ये बेसिकली सारे थ्री फेज जो मीटर्स हैं उसकी नंबरिंग के साथ डिस्क्रिप्शंस में आपको बता रहा हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं कि टोटल एक्टिव एनर्जी कितनी है तो वो 15.8.0। अगर आप देखना चाहते हैं कि टोटल एक्टिव एनर्जी पीक में कितनी थी तो वो आप 15.8.1। सेम है अगर आप देखना चाहते हैं कि टोटल एक्टिव एनर्जी ऑफ पीक में कितनी थी तो 15.8.2। सेम है 128.8.0 पे एक्टिव एनर्जी टोटल है, 128.1 पे जो है बेसिकली रिएक्टिव एनर्जी पीक है। T1 शो कर रहा है पीक को और T2 बेसिकली शो करता है ऑफ पीक को। सेम है अगर आप OBIS 15.6.0 पे देखते हैं तो ये मंथली मैक्सिमम डिमांड है और साथ मैंने इस शीट में यूनिट्स भी आपको इजीली शो आउट कर ली हैं, ताकि आपके लिए इजी हो अगर आप किसी भी नंबर पे स्पेसिफिक रीडिंग देखना चाहते हैं। तो यहां से इंडेक्स 1 से लेकर 21 नंबर तक इसमें इस शीट में मैंने वो रीडिंग्स लिखी हैं और आप देख सकते हैं कि किस नंबर की स्पेसिफिक रीडिंग आपको रिक्वायर्ड है। इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं कि अगर आप आपने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है और सोलर सिस्टम में आपको पता है कि ऑफ पीक इंपोर्ट, पीक इंपोर्ट सेम है टोटल एक्सपोर्ट, टोटल इंपोर्ट, ये एक कंसर्न होते हैं कस्टमर का कि कैसे हम उसको देख सकते हैं अपने ईएमआई मीटर से। तो ये शीट बनाने का पर्पस भी ये था कि आपको जो है वो इजीली शो आउट में करा सकूं कि कैसे आप अपने जो है रीडिंग्स को देख सकते हैं। अब हम स्पेसिफिकली सोलर की बात करें तो वो सेम एज वही है, थोड़ा सा इसमें इंडेक्स और OBIS चेंज मैंने किया है। अगर आप इसमें कंसिडर करते हैं ये भी स्टार्ट होती है 1 से और अप्रोक्सीमेटली जो शीट में मैंने 27 तक ये नोट डाउन किया ताकि आपके लिए इजी हो जाए। साथ मैंने इसकी यूनिट्स भी लिख दी हैं कि अगर आप यूनिट्स में सर्च करना चाहते हैं तो उसमें क्या है। अब जिस बंदे ने सोलर लगाया है ऑब्वियसली उनका कंसर्न होता है कि टोटल एक्टिव एनर्जी आप कितनी इंपोर्ट कर रहे हैं वापस से। फिर इसमें दो मल्टीपल ऑप्शन आ सकते हैं। अगर टोटल एक्टिव एनर्जी आपने इंपोर्ट देखनी है तो 1.8.0 पर जो रीडिंग आ रही है उस पर आप चेकआउट कर सकते हैं। सेम है अगर आपने टोटल एक्टिव एनर्जी इंपोर्ट देखनी है पीक में, यानी जो टीम है ना वो शो कर रहा है पीक के टाइम, वो आप 1.8.1 पे, सेम 1.8.2 पे आप टोटल एक्टिव एनर्जी ऑफ पीक में आप देख सकते हैं जो कि आपको ऑफ पीक में ये शो कर रहा है। सेम एज अगर आप एक्सपोर्ट देखना चाहते हैं यानी टोटल एक्सपोर्ट कितनी हुई है तो 2.8.0 पे रीडिंग आएगी। आपने पीक में एक्सपोर्ट देखनी है तो 2.8.1 पे। सेम एज अगर आपने ऑफ पीक में एक्सपोर्ट देखनी है तो 2.8.2 पे आएगी। सेम एज रिएक्टिव एनर्जी इंपोर्ट देखनी है तो उसकी 3.8.0। सेम एज रिएक्टिव एनर्जी पीक में, रिएक्टिव एनर्जी ऑफ पीक में, रिएक्टिव एनर्जी एक्सपोर्ट कितनी हुई है, सारी रीडिंग जो है बेसिकली वो आप दिए गए नंबर के अकॉर्डिंगली चेकआउट कर सकते हैं। हमारे पास मीटर तो आ जाता है लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि किस नंबर पे हम स्पेसिफाइड मीटर की रीडिंग नोट कर लेते हैं। जो पहले थ्री फेस मीटर थे यानी ग्रीन मीटर थे उन पे स्पेसिफाइड एक शीट या मैनुअल बना होता था जिसमें शो हो रहा था कि किस नंबर पे कौन सी रीडिंग्स है। लेकिन जो अब नए AMI मीटर्स आ रहे हैं स्पेसिफिकली सोलर के, उस पर ये ऑप्शन नहीं होता। तो ये शीट बनाने का और शेयर करने का पर्पस ये था कि अगर आप एक एंड यूजर हैं और आप देखना चाहते हैं कि मंथली कितनी एक्सपोर्ट,
इंपोर्ट, अगर आप स्पेसिफाइड इंस्टेंटेनियस एक्सपोर्ट भी देखना चाहते हैं और इंपोर्ट, उसकी डिटेल्स भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप किसी भी स्पेसिफाइड टाइम भी देखना चाहते हैं कि आपका सोलर जो है वो कितनी एक्सपोर्ट कर रहा है, तो आप उसको देख सकते हैं 2.7.0 पे। और अगर आप देखना चाहते हैं कि आप किसी भी स्पेसिफाइड टाइम पे कितनी इंपोर्ट करें, तो आप वो देख रहे होंगे 1.7.0 पे। तो यानी ये वो दो रीडिंग्स है कि इंस्टेंटेनियस भी आप देख सकते हैं कि किस वक्त कितनी एक्सपोर्ट हो रही है और कितना आप वापस ले रहे हैं।